करता हूँ मैं, यहाँ से एक ओपन करने के लिए दिया है, यहाँ से एक ओपन करने दिया है, क्योंकि और तो कुछ चारा नहीं दिख रहा नहीं। तो ये हो गया दोनों, सब वूफर और इसका साउंड बार, बात नहीं देख लो आप बेस। और ईयरफोन रेकमेंडेड है, ईयरफोन जरूर पहनना अगर सुन रहे हो बेस को। तो आवाज़ बहुत कम रखा हूँ मैंने और जो डिस्प्ले करता है आवाज़ कितने में है, ठीक है। तो वो 15 में किया हूँ अभी, और उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखो बेस देखो, ईयरफोन लगा लो। हे गाइस, श्याम खान, योर बीएमआई टॉक्स एडमिन। सो मैंने लिया हूँ गोवो 900, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये मैंने अमेजोन से, जब उसका सेल चल रहा था अमेजोन का, तब मैंने बुक किया था इसको। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्राइस में होम थिएटर है घर के लिए। 200 वॉट का होम थिएटर है और सबसे बेस्ट। तो मैं इसके अनबॉक्सिंग आपके सामने करना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से आपको मैं बता देता हूँ कितने का पड़ा, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उससे बाय कर सकते हो। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं, और इसको आपको मैं प्ले करके ही बताऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इसकी तारीफें बहुत हुई है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन अपन थोड़ा अलग तरीके से वीडियो बनाएंगे इसकी, तो पता चलेगा आपको भी। और अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। ओके, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो, इधर भी रैपिंग दिया है इन्होंने, तो इसको मैं सबसे पहला टेयरअप करता हूँ। और टेयरअप तो कर दूँ, लेकिन प्लास्टिक संभाल के रखना पड़ेगा, साइड में तो मम्मी मारेंगे। तो ये देख सकते हो, ये है अपना गोवो का गो सराउंड 900। ये इसका बॉक्स है, और बॉक्स देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा बनाया है। साउंड बार के लिए ये दिया हुआ है नीचे, और इसके अंदर वूफर है। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं आपके सामने। ये रहा टैग, ये टैग तो पहले से ओपनड है। अब देखता हूँ अंदर प्रोडक्ट बराबर है क्या नहीं, अगर नहीं हो तो मैं इसको वापस करूँगा, ठीक है। सो अभी ये टैग ओपन करता हूँ मैं, यहाँ से एक ओपन करने के लिए दिया है, यहाँ से एक ओपन करने दिया है, बस ये दो दिए हुए, और कहीं है क्या देखता हूँ मैं। और यहाँ पर टेप मारी हुई है, आई थिंक सो पहले से ये चेक हुआ है, तो अगर मुझे सही नहीं लगा तो इसको मैं रिटर्न करूँगा। ओके, तो मैं मुझे अभी ब्लेड चाहिए इसको खोलने के लिए, ऐसे खोलता हूँ। स्ट्रेट खड़ा होगा शायद। तो देख सकते हो इधर वूफर दिया हुआ है, ठीक है, वूफर इसके अंदर दिया हुआ है, और इधर साउंड बार है अंदर। तो यहाँ से तो ओपन हो गया, अब यहाँ से कैसा होगा, आई थिंक सो ये पूरा ऐसा टेयर अप ही होगा, तो मैं इसको टेयर करता हूँ, क्योंकि और तो कुछ चारा नहीं दिख रहा नहीं है तो खोलने का, परफेक्ट। तो देख सकते हो ये साउंड बार, ठीक है, यहाँ से ये खुलेगा। तो बहुत बढ़िया है, और ये साथ में इसके मिला हमें एक रिमोट, उसका कैटलॉग, ये रहा उसका साउंड सिस्टम का रिमोट, और ये एक वायर दी हुई है साथ में, ऑक्स वायर है ये, डुअल ऑक्स वायर। और ये इसका वारंटी, हाँ वारंटी के लिए स्कैन टू विन अ फ्री गिफ्ट फॉर 1 ईयर वारंटी, ओके। और इसके स्क्रूज वगैरह दिए हैं। ये तो हो गए इसके एसेसरीज, अब हम आते हैं इसके पार्ट पर, जो कि हमें मेन चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा लेटा के देखा, बहुत अच्छी पैकिंग की है, बदलने तैयार नहीं। हाँ, तो यहाँ पर एक इसको निकालने, जिससे साउंड बार बार आ जाएगा। अब पहले ये निकालना पड़ेगा, ये हमारा वूफर, ये वूफर एंड साउंड बार। तो यहाँ से तो ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे टेप लगी हुई है, तो मैं इसको टेप को उसको काटता हूँ और यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और कंपनी ने इसके फीचर्स बाहर ही लिखे हुए, डायनामिक एलईडी लाइट, उसका साउंड बार में लाइट्स दिए हुए नीचे साइड में और ऊपर,
स्टार टाइप में, तो वो देखेंगे अपन। तो ये हो गया अनबॉक्सिंग यहाँ से, ठीक है परफेक्टली। ये निकलेगा वो सर, तो ये है वो का, ओके। ये भी प्लास्टिक में रैप है और ऊपर भी कुर्ती है, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी सुननी है मुझे, ठीक है। उसके बारे में मैंने रिव्यू बहुत अच्छे सुने हैं, तो उसका साउंड क्वालिटी देखना है। तो ये है इसका फर्स्ट लुक वूफर का, बहुत सही वूफर है, ओके। और वुडन है पूरा, पूरा वुडन। गो 900, गो सराउंड 900 है इसका नाम। तो ये तो हो गया अपना वूफर। अब इसके अंदर है साउंड बार, तो मैं साउंड बार दिखाता हूँ इसको। ये रहा साउंड बार, ये रहा साउंड बार अपना। साउंड बार अच्छा खासा हैवी है, लाइट वेट नहीं, अच्छा हैवी है, ठीक है। तो ये रहा साउंड बार, जैसे ही आप खोलोगे तो साइड में देख सकते हो एक USB पोर्ट दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव लगा के सुन सकते हो। यहाँ पे सब वॉल्यूम की कीज़ वगैरह दी है, जहाँ से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और पाउस और लाइट्स के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ से ये सब फीचर्स दिए हैं इसके। तो साउंड बार देख सकते हो, साउंड बार अच्छी क्वालिटी का है, ये कोई पेड नहीं है, ये रिव्यू जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ मैं। ये गोवो का देख सकते हो, और यहाँ पे ऑक्स दिया हुआ है, जहाँ पे आप ऑक्स लगा सकते हो, यहाँ पे HDMI पोर्ट लगा सकते हो, ठीक है। और इधर सब आउटपुट, तो और ये वायरिंग दी हुई है साथ में। इसमें गोवो 920 आता है, जो ब्लूटूथ वाला होता है, उसमें ये जो रहेगा ना सब ऊपर, ये ब्लूटूथ वाला होगा, लेकिन इसके अंदर वायरिंग है दोनों का। तो ये 900 है, 1000 रुपये का फ़र्क है सिर्फ। और देख सकते हो दोनों साइड में LEDs दी हुई है स्टार वाली, जैसे कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे, और नीचे भी LEDs है इसके। नीचे एक छोटी LED है, वो देखना पड़ेगा। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं और आपको। देख सकते हो गाइज, ये सब वूफर्स है, इस तरह आउटपुट देना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ रहा आउटपुट, तो यहाँ पे पहले अटैच करेंगे, ये हो गया अटैच, ओके। तो ये अभी वायर में ही लगाता हूँ यहाँ पर एक्सटेंशन में, और इसको स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह। तो यहाँ से बटन होगा इसका, हाँ यहाँ रहा ये बटन, यहाँ से आपको इसको ऑन करना है बिस्मिल्लाह। तो ये देख सकते हो सामने LED में जो टाइमिंग वगैरह आएगी या कुछ भी लिख के आएगा, तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले दिया हुआ है सामने इसके। और इसके अंदर मुझे स्पीकर्स दिख रहे हैं कम से कम 1, 2, 3, 3, 6 देख सकते हो इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा विजिबल। तो एक इधर है, एक इधर है, एक छोटा ट्विटर है, फिर 2 स्पीकर्स है, फिर 1 ट्विटर है, ओके। तो अभी इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, लेट मी कनेक्ट द ब्लूटूथ और इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये हो गया स्टार्ट, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ पैर करने के लिए, तो ये हो नहीं रहा है। तो मुझे पता चला कि इसके रिमोट से ही पैर होएगा, देख सकते हो इधर से ऑन होगा, फिर इधर पैर दबाऊंगा तो पैर होएगा। और इसमें तो सेल आई थिंक तो नहीं है, तो मेरा जो टीवी का रिमोट है वन प्लस का, उसमें से निकालता हूँ मैं। अभी सेल दो है गोवो, एक सेल तो दे सकते हो इतने अमाउंट में, ठीक है। तो मैं इसको सेल डाल देता हूँ, उसको स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। ये रहा देखो, लाइट्स आ गई नीचे, ये हो गया स्टार्ट, देख सकते हो। ये देखो इसके नीचे मस्त लाइट्स है, ओके। और इस साइड में भी इसके लाइट्स होगी, ये रहा इसके साइड में लाइट्स,
और ये साइड में लाइट देखो, तो ये साइड में भी लाइट है इसकी, ये एकदम गेमिंग लुक दे रहा है मस्त एकदम। अगर अंधेरा करके मस्त अगर होम डेवर स्टार्ट करोगे एकदम मस्त मज़ा आएगी। ठीक है, अब इसको मैं पैर करने की कोशिश करता हूँ, ये ब्लूटूथ मोड पे है अभी, तो मैं इसको अभी एक फ़ोन से अपने पैर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि कितना फास्ट कनेक्ट होता है ये। ओके, देखो आ गया गो 900। और इसका रिमोट तो बहुत लाइट है और आवाज़ आ गई आपको ब्लूटूथ कनेक्ट होने की। अब मैं इसके अंदर कुछ प्ले करके देखता हूँ, और ऐसा कुछ प्ले करूँगा कि जिससे मुझे कॉपीराइट नहीं है, या तो फिर भाई मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, NCS की पहले देखते हैं सुन के, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है आपको कि आप ईयरफोन के साथ सुनना। ठीक है, ये मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है, जब अपन कम करेंगे। और सुपर बेस है, सुपर बेस 30 इसकी लास्ट वॉल्यूम है, और अभी ड्रॉप आएगा तो बेस का वो सुनना है, मेन तो वॉल्यूम फुल करता हूँ मैं। ऑसम गाइस, ऑसम, एकदम ऑसम है, मतलब इतना कड़क बेस है ना आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट है। और अगर आपको सुनना है इसका बेस तो ईयरफोन रिकमेंडेड है, ईयरफोन लगा के सुनना। अभी मैं फुल करता हूँ वॉल्यूम, आपने इसकी साउंड सुनी है और आपने इसका बेस सुना होगा। अब इसको मैं बताऊँ आपको इसका प्राइस रेंज, तो ये 7000 में मुझे पड़ा है, और 7000 में मेरा पर्सनल व्यू बताऊँ मैं आपको तो एकदम वर्थ है। लाइक जो सिस्टम्स आप खरीदते हो जो 30-35 हज़ार के ना, वैसे एक वर्थ लाइक वैसा साउंड एक दे रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं आप, इसमें साउंड बार्स में 2 स्पीकर्स और एक ट्रेबल दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, तो सुपर बेस लगा मेरे को। मैं NCS का गाना इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉपीराइट नहीं है, अगर कोई गाना देखता हूँ मैं कॉपीराइट जो नहीं हो लगे मुझे, तो मैं आपको प्ले करके वो सुनाता हूँ, उसका बेस देखना आप। अब तक पहले तो आप इसका सिनेमैटिक एक व्यू देख लो, लाइट सॉन्ग देखते हैं इसको बजा के कि इस पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा, तो अगर आएगा तो निकाल दूंगा वीडियो, कोई बात नहीं, देख लो आप बेस। और ईयरफोन रेकमेंडेड है, ईयरफोन जरूर पहनना अगर सुन रहे हो बेस को। तो मैंने इधर साउंड तो प्ले कर दिया और इसके अंदर बॉलीवुड सॉन्ग बज रहे थे, मुझे अब टेंशन है कॉपीराइट का, अगर कॉपीराइट आता तो उसको ट्रिम करना पड़ेगा वीडियो को, चलो वो तो देख लेंगे वो अलग बात है। लेकिन ये प्राइस के रेंज में सबसे बेस्ट सिस्टम है अब तक का मैंने देखा है, क्योंकि और ये प्राइस में अगर आप देखना चाहो तो इतना खास नहीं होता, लेकिन ये बेस्ट है। और ये एक पेड रिव्यू नहीं है, ये नॉन पेड रिव्यू है, मैंने सिर्फ मेरे पर्सनली परचेज किया हूँ मेरे लिए, तो मुझे लगा कि आपको भी मैं बताऊँ, आपको भी सजेस्ट करूँ, तो आप भी परचेज कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा सिस्टम ढूंढ रहे हो घर के लिए, होम थिएटर ढूंढ रहे हो, तो ये है गोवो सराउंड 900। इसमें आता है 920 भी, जो कि ब्लूटूथ में होता है सबवूफर, लेकिन इसके अंदर वायर वाला है, तो ये है 900। ओके, सो ये आपको मैंने प्राइस तो इसका बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में इसका बाई का लिंक डाल दूंगा मैं, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो इसको। और रिव्यू भी आपको मैंने दे दिया इसका, और क्या एक्सेसरीज है आपको मैंने सब बता दिया। वारंटी कार्ड आता है इसके साथ में, ये ऑक्स वायर आता है, और ये कुछ दिया हुआ है स्क्रूज वगैरह, तो वो आते हैं, और रिमोट आता है इसका, रिमोट के साथ में, रिमोट इसका कहाँ गया, तो रिमोट ये रहा, तो ये रहा इसका रिमोट। तो ये सब, ये चार चीज़ आपको मिलेगी सिर्फ, सेल साथ में नहीं है, सेल देना चाहिए था इनको, लेकिन इन्हें सेल नहीं दिया, कोई इशू नहीं। तो ये ब्लूटूथ है, इसको आप बॉक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो टीवी में। ओके, तो आपको बाय करना हो तो मैंने बोल दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ओके, सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग योर लव टू मी बाय टॉक्स, योर एडमिन अशम खान साइनिंग आउट, बाय, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहो, और भी न्यू चीज़ें अगर आपको एक्सप्लोर करनी है तो मेरे चैनल पर बने रहो, और मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो इंस्टाग्राम पे कि किस चीज़ पे मुझे कंटेंट बनाना चाहिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।